नमस्कार, सीएमएन न्यूज पर खास पेशकश, मेरा ही जलवा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कनिका। देश में लोकसभा चुनाव की सबसे बड़ी लीड भाजपा प्रत्याशी संजय भाटिया ने बनाई है। करनाल से भाजपा प्रत्याशी संजय भाटिया कांग्रेस के कुलदीप शर्मा से 6 लाख वोटों से आगे हैं और ये लीड लगातार बढ़ती जा रही है। देश में अभी तक सबसे बड़ी लीड का रिकॉर्ड 5,52,000 था, जिसे भाटिया ने मोदी सुनामी में ध्वस्त कर दिया। बता दें कि करनाल हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का गृह जनपद है, इस सीट से इनकी प्रतिष्ठा भी जुड़ी हुई है। करनाल लोकसभा पर भाजपा के उम्मीदवार संजय भाटिया ने बड़ी बढ़त ले रखी है। वे कांग्रेस के कुलदीप शर्मा से 6 लाख वोटों से आगे हैं। कुलदीप शर्मा दूसरे स्थान पर तो बीएसपी के पंकज तीसरे स्थान पर है। भाजपा के लिए सबसे सुरक्षित सीट थी करनाल। भाजपा इस सीट को अपने लिए सबसे सुरक्षित सीट मान रही थी। 2014 में भी इस सीट पर भाजपा के सांसद अश्विनी चोपड़ा ने जीत हासिल की थी। एग्जिट पोल में भी ये सीट भाजपा के खाते में दिखाई गई है। 67.93% हुआ था मतदान। करनाल सीट पर 12 मई को हुए मतदान में 67.93% वोटिंग हुई थी। इस लोकसभा के अंतर्गत 8 विधानसभा आती है, जिसमें करनाल, नीलोखेड़ी, इंद्री, घरोंडा, असंत, पानीपत शहरी, पानीपत ग्रामीण और स्मालखा शामिल है। भाटिया की इस वजह से है मजबूत दावेदारी। करनाल सीट पर संजय भाटिया को पूरे भाजपा संगठन का सपोर्ट है। यहां स्मालखा को छोड़कर सभी विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा के विधायक है। इसके साथ साथ मोदी फैक्टर भी उनके साथ है। पिछले दिनों भाजपा ने पानीपत नगर निगम और करनाल नगर निगम में भी जीत हासिल की है। वहीं सीएम मनोहर लाल खट्टर भी इसी सीट से विधायक हैं। वहीं अपनी जीत के बाद संजय भाटिया ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। मैं 3 शब्दों में श्री इस देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने सशक्त नेतृत्व, एक मजबूत नेतृत्व इस देश को दिया। प्रदेश के मुख्यमंत्री जिन्होंने ईमानदार और पारदर्शी प्रशासन इस प्रदेश को दिया, कार्यकर्ताओं की मेहनत को और समाज की एक सोच को, जो देश के प्रति इन द इंटरेस्ट ऑफ कंट्री, जिन्होंने 36 बरादरी ने दलगत राजनीति को छोड़कर हर मुद्दे को छोड़ दिया, जात पात के मुद्दे को छोड़ दिया, अपनी पार्टी पॉलिटिक्स को छोड़ दिया, मैं सारा श्रेय उन लोगों को देता हूं। विपक्ष ने काफी आरोप लगाए मोदी जी पे भी, और क्या क्या कहेंगे उनको? वो अपने अपने अंदर झांके, अपने कर्मों को देखें, जनता के बीच में जाएं, अपने पापों का प्रायश्चित करें, मैं तो यही कहूंगा। मुझे उनके साथ सहानुभूति है। एक आप किसी को, एक निर्दोष व्यक्ति के ऊपर इस तरह की बात छीटा कसी करेंगे, ये हिंदुस्तान की जनता है, तो जवाब दिया जनता ने। ये ऋषि मुनियों की स्थान है, यहाँ पर लोगों ने तप किए हुए हैं, यहाँ शहीदों ने अपनी शहादत दी हुई है, कुर्बानी दी है। यहाँ के लोग इतनी आसानी से आपके झूठ के झांसे में नहीं आने वाले। 55-60 साल आपने गरीबी हटाओ की बात करते रहे, स्वतंत्रता संग्राम कांग्रेस ने लड़ा, जीता, उसके नाम पर आप राज करते रहे, और आज 60 साल के राज करने के बाद आप बोलते हैं कि देशद्रोह अपराध नहीं है, हम सरकार बनाएंगे तो देशद्रोह की धारा को हटा देंगे। आज मैं ये कड़वी बातें इस खुशी के मौके पर करना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी उन भाइयों को एक सलाह देना चाहता हूँ कि आत्मचिंतन करें। अभी ये चुनाव हारते हैं तो ईवीएम मशीन इनको याद आ जाती है, इस तरफ ध्यान ना करके आत्मचिंतन करें, अच्छे से लोगों के बीच में जाएं और उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप अपनी पार्टी को, विचारधारा को बनाएं। आपको बता दें कि करनाल लोकसभा की 9 विधानसभा सीटें भाजपा के कब्जे में है। वही करनाल में साथ साथ पानीपत में भी बीजेपी की अच्छी पकड़ है। संगठन की मजबूती के लिए सभी विधायकों ने अपनी ताकत झोंक रखी है। 51 साल के संजय भाटिया कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट रह चुके हैं। इनका जन्म हरियाणा के पानीपत जिले में हुआ है। वह मौजूदा समय में भाजपा के राज्य महासचिव भी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज डेस्क।